हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फोटोग्राफी एंड टेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडिटोरियल इमेज जो है वो आप ड्रीमस्टाइम कंट्रीब्यूटर वेबसाइट पे या ड्रीमस्टाइम कंपेरिजन वेबसाइट पे आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब प्रोसीजर बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, आप अपने जो भी ड्रीमस्टाइम कंट्रीब्यूटर वेबसाइट है आप जाएंगे वहाँ और ये अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे लॉगिन करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स का जो ऑप्शन आ रहा है आपका जो डिस्प्ले नेम होगा उसके नीचे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड फाइल्स का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। जैसे आप अपलोड फाइल्स पर क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको बोला जाएगा ऐड और ड्रैग फाइल्स हियर, जहाँ पे आप फोटो जो भी एडिटोरियल आपका इमेज है वहाँ से आप यहाँ पे आप अपलोड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि एडिटोरियल इमेज का कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है उसी इमेज में, तो मैं आपको ले कर चलता हूँ सबसे पहले उस इमेज को। जो भी आपका इमेज होगा एडिटोरियल, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं ड्रीम्स टाइम पे, तो सबसे पहले आप उसे ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप जो एडिटर आता है उसमें ओपन करेंगे, जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ है। जैसे ओपन करते हैं फ़ोटोशॉप में तो आप जाएंगे फाइल में, जैसे टॉप कॉर्नर पे जो फाइल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे फाइल इन्फो में। फाइल इन्फो में क्लिक करेंगे, जैसे आप फाइल इन्फो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बॉक्स, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स टाइटल, जो भी ये इमेज है मेरा जो फ़ोटो है एडिटोरियल या आपका भी जो भी इमेज होगा उसका डॉक्यूमेंट्स का जो भी फ़ोटो होगा उसका टाइटल देना है यहाँ पे। तो टाइटल मेरा हो चुका है कि टूरिस्ट विजिटिंग कृति स्तंभ एट चित्तौड़गढ़। उसके बाद आपको आना है डिस्क्रिप्शन में, ये जो भी आपका है ऑथर या ऑथर टाइटल ये छोड़ देना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको देना है, जो भी डिस्क्रिप्शन देंगे एकदम एक्यूरेट देंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में पहला जो है आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसा मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको देना है प्लेस का नाम, जो भी आप फ़ोटो क्लिक करें जहाँ का भी तो उस प्लेस का नाम होना चाहिए, वो किस प्लेस का फ़ोटो है। तो ये है चित्तौड़गढ़ का, तो चित्तौड़गढ़ मैंने दिया है। उसके बाद कंट्री का नाम आपको देना है, ठीक है, जैसे प्लेस का नाम होता है उसके बाद आपको कंट्री देना है, किस कंट्री में है ये। उसके बाद आपको देना है डेट ऑफ शूट, ठीक है, तो डेट ऑफ शूट में सेम इसी फॉर्मेट में लिखिएगा October 18, 2017, यानी कि मंथ, डेट और ईयर। उसके बाद आपको लिखना है इस पिक्चर जो भी आप क्लिक किए हैं उसमें क्या दिखाया गया है और किस चीज़ का वो पिक्चर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कृति स्तंभ एंड टूरिस्ट स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द कृति स्तंभ इन चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान इंडिया। तो इस तरह से आपको पूरा डिस्क्राइब करना है जो भी आपका इमेज बिलोंग करता है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा कि किस तरह आपको डिस्क्राइब करना है फॉर्मेट वाइज। फॉर्मेट जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम इसी फॉर्मेट में और सेम इसी प्रोसेस से आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जैसे आप ये लिख देते हैं यहाँ पे, फिल कर देते हैं ये बॉक्स, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है और फिर से आपको जाना है वेबसाइट पे। यहाँ पे ये वेबसाइट आ चुका है, ठीक है, इसी वेबसाइट पे, और आपका जो भी इमेज वहाँ पे सेव किए होंगे उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने इमेज और ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। तो अपलोड में कुछ टाइम लगता है, जैसे एक मिनट टाइम लगेगा। जैसे अपलोड होता है मैं फिर से वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही अपलोड हो जाता है जैसे ही अपलोड हो जाता है इमेज, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग होने लगा है, प्लीज़ वेट प्रोसेसिंग इमेजेस, ठीक है, और पेज विल बी रिफ्रेश ऑटोमेटिकली व्हेन डन। तो इसमें जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो भी आपका इमेज जो अपलोड किए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तब इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप पेशेंस रखें और जैसे ही हो जाता है आपको यहाँ पे जो भी शो होने लगेगा आपका इमेज। तो मैं फिर से इसके बाद प्रोसीड करूँगा ये वीडियो को, तब तक देखते रहें। तब तक देख लिए, जैसे ही मैंने बोला कि हो चुका है यहाँ पे प्रोसीड, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, देख सकते हैं जो भी हमने वहाँ पे फिल किया था वही यहाँ पे
आ चुका है। ओके ओके, तो टाइटल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये टाइटल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने वहाँ पे फोटोशॉप में जो लिखा हुआ था वही यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में कमर्शियल लाइसेंस जो लिखा हुआ है, कमर्शियल और एडिटोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो भी इमेज है ये एडिटोरियल है, तो यहाँ पे एडिटोरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप एडिटोरियल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ओके, जैसे आप एडिटोरियल इमेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट्स फॉर एडिटोरियल एडिटर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कि ये जो भी आपका इमेज होगा वो किस कैटेगरी में आता है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जो आता है ये मैं कर देता हूँ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो जेनरिक जेनरिक आर्किटेक्चर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जाता हूँ और हिस्टोरिक बिल्डिंग कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ सॉरी एडिटोरियल में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटोरियल में लैंडमार्क कर देता हूँ। ओके, तो ये जो है ये इमेज आपका जैसा भी फ़ोटो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो बोला जाएगा कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए वही आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड्स जो है ये खुद ब खुद आ चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें जो भी इमेज जो भी वर्ड्स होंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे कीवर्ड्स में आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको देना है 80 कीवर्ड्स, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रहा है आई अप एक बॉक्स दे रहा है यहाँ पे, तो इस पर आपको लिखा हुआ है, ये मैं बता दूँ कि अगर आप ये इमेज जो है सिर्फ ड्रीम्स टाइम पे ही सेल करेंगे करना चाहते हैं या अपलोड किए हुए हैं तो ही आप इस वाले टिक को बॉक्स को टिक आउट करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एक्सक्लूसिवली अपलोडेड दिस फाइल ऑन ड्रीम्स टाइम। अगर आप करेंगे इसी सिर्फ वेबसाइट पे तो ही आप यहाँ पे टिक करें, अगर आपको किसी और वेबसाइट पे सेम इमेज अपलोड करना है तो आप बिल्कुल इसे टिक ना करें। ओके, तो मैं इसे टिक नहीं करूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है तो सबमिट कर देंगे। जैसे मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, तो सबमिट हो गया है मेरा फाइल। और यहाँ पे आप जाके भी देख सकते हैं पेंडिंग फाइल में कि आपका जो इमेज आपने अपलोड किया हुआ है तो वहाँ पे पेंडिंग फाइल में शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो रहा है पेंडिंग फाइल में, ये 24 आवर्स के अंदर जो है आपका इस इमेज को रिव्यू किया जाएगा। अगर ये इमेज सही हुआ अप्रूव्ड के लायक तो आपको अप्रूव्ड हो जाएगा, आपको ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। तो ये रहा आपको वीडियो बताने के लिए कि आप कैसे एडिटोरियल इमेज जो है आप अपलोड कर सकते हैं ड्रीम्स टाइम पे, और शटर स्टॉक पे भी मैंने बताया है कैसे कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग फोटोग्राफी वीडियो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।